हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएमसी इंटरनेशनल की एक और नई नवेली वीडियो में। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एसएमसी इंटरनेशनल एंड मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये जबरदस्त इसी बेट। अगर हम इस पीसी बिल्ड की प्राइसिंग की बात करें तो ये पीसी बिल्ड कॉस्ट कर रहा है 4,72,000 रुपीस का। अब अगर ये इतना महंगा पीसी बिल्ड है तो ऑब्वियसली इसके अंदर काफी बड़े बड़े कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं, दी टॉप ऑफ द लाइन। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है जो हमारा प्रोसेसर, इट इज 13900K। एंड जैसा आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि अब ये 24 कोर्स के साथ आता है, 32 थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर, परफॉर्मेंस कोर्स 8 होते हैं, 16 एफिशिएंसी कोर्स होते हैं। स्पीड्स की बात करें 5.8 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम स्पीड होती है। एंड अगर हम बेस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो कोर्स है इसके वो चलते हैं 4.3 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक, एंड जो एफिशिएंसी कोर्स है वो चलते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक। अगले कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा मदरबोर्ड जो कि है ASUS की तरफ से आने वाला उनका ROG Strix Z790E गेमिंग वाईफाई। इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जैसा आप सभी जानते हैं 13900K जो है बहुत ही ज्यादा मतलब टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता सिवाय KSK। एंड उसके थर्मल्स की बात करें तो 253 वॉट्स की तो उसकी TDP है, दैट इज वो अपना मैक्सिमम जो पावर आउटपुट है 253 वॉट्स कंज्यूम करता है। उस केस के अंदर उसे कूल करने के लिए, उसको पावर डिलीवरी देने के लिए अच्छे VRM सेक्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए हम इस मदरबोर्ड के साथ गए। एंड जैसा आप सभी जानते हैं कि जितने भी 4 रैम स्लॉट वाले अपने मदरबोर्ड्स होते हैं उनके अंदर आप 128GB तक की रैम्स लगा सकते हैं, वैसे इसके अंदर है। जो इसकी खासियत मुझे लगती है वो लगती है इसके पावर बटन। इसके अंदर आपको ऑलरेडी एक स्विच मिल जाता है जो कि डायरेक्ट आप अपने पीसी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जिस समय आप पोस्ट करते हैं दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उस टाइम पे आपको कई बार स्क्रू ड्राइवर या फिर वायर लेने पड़ता है, उस केस के लिए इसके अंदर आपको ऑलरेडी एक स्टार्ट बटन मिल जाता है, सो वहां पे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 5M.2 के स्लॉट्स मिल जाते हैं, दैट इज आप इसके अंदर 5 NVMe जो SSDs हैं वो माउंट कर सकते हैं एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली। PCI Express के इसके अंदर आपको 3 कार्ड्स मिल जाते हैं, दैट इज इसके अंदर आप 3 ग्राफिक कार्ड या फिर कोई भी 3 X16 स्लॉट्स जो है कोई भी कंपोनेंट अगर आप लगाना चाहें आप इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं। एंड अगर हम बात करें इसकी वाईफाई की तो इसके अंदर आपको मिल जाता है Wi-Fi 6E। साथ ही साथ इसके अंदर अगर आप जो कोई भी पीसी बिल्ड यूज कर रहे हैं, आपने पीसी बिल्ड बनाए हैं या फिर कभी आपको रिपेयर करना पड़ा है अपनी पीसी बिल्ड को, कभी डायग्नोस करना पड़ा है, तो आपको पता होगा कि जब आप ग्राफिक कार्ड को एक बार इंसर्ट कर देते हैं तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर आपका हैवी ग्राफिक कार्ड हो। तो इसके अंदर आपको एक PCI स्लॉट के अंदर क्यू रिलीज बटन देखने को मिल जाता है जो साइड के अंदर है रैम्स के। अगर यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है तो मैं दिखा दूं, ये वन दिस इज द क्यू रिलीज बटन। एंड अगर आप इसे प्रेस करते तो आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो अपने आप ही अनलॉक हो जाता है, जो कि इजी बना देता है अगर आपको दोबारा कभी ग्राफिक कार्ड रिप्लेस करना पड़ता है या कुछ भी होता है तो। सो गाइस, अगले कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि रहने वाली है हमारी मेमोरी स्टिक्स, विच आर दीज ब्यूटीफुल रैम स्टिक्स जो कि है G-Skill की तरफ से आने वाली उनकी ट्राइडेंट Z5 RGB। अगर हम इनकी स्पीड्स की बात करें तो ये है 6000 MHz की। एंड अगर हम इसकी कैश लेटेंसी की बात करें तो CL36 पे है। एंड इसमें हमने दो किट्स यूज किए हैं, दोनों ही हमारी 16:2 है, दैट इज टोटल हम इसके अंदर 64GB का यूज करने वाले हैं। जो हमारे क्लाइंट है एक्चुअली उन्हें गेमिंग पीसी बनाना था अपने इन सभी कंपोनेंट्स के साथ, तो गेमिंग के लिए 64GB आज की डेट में मच मोर देन इनफ रहने वाली है। इवन 32GB भी सजेस्टेड होती है, बट स्टिल जब आप इतना पैसा खर्च करना चाहते ही एंड आपने हाई एंड कंपोनेंट्स लेने तो 64GB से ऊपर जाने के लिए नहीं। कभी फ्यूचर में अगर उन्हें वीडियो एडिटिंग करनी पड़ी या फिर 4K पे वो अपनी शूट्स करेंगे तब देखेंगे, अगर उन्हें तब नीड पड़ेगी तो वो इस पे अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि ये पीसी बिल्ड गेमिंग सेंट्रिक रहने वाला है, तो गेमिंग के लिए अगर आप 4,72,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो सबसे अच्छा ग्राफिक कार्ड तो लेना होगा ना, द टॉप ऑफ द लाइन जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं GeForce RTX 4090 ASUS की तरफ से आने वाला उनका ROG Strix वेरिएंट, एंड वो भी व्हाइट एडिशन इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आप कूड़ा कोर्स देखने को मिलते हैं 16384, दैट इज 16394। एंड अगर हम बात करें इसकी VRAM की, दैट इज वीडियो मेमोरी की, तो यहाँ पर आपको 24GB की GDDR6X VRAM देखने को मिल जाती है। एंड इसके अंदर आपकी जो स्पीड्स हैं जो कोर्स इसके रन करने वाले हैं वो रन करते हैं इसके अंदर 2610 MHz पे, जो कि अगर आप ओवरक्लॉक करना चाहें ASUS के सॉफ्टवेयर से तो आप इसको 2640 MHz तक इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं जस्ट क्लिक में। अगर हम बात करें इसकी मेमोरी स्पीड की तो ये आती है 21GBPS की मेमोरी स्पीड्स के साथ। एंड अगर हम मेमोरी बस की बात करें तो ये कार्ड जो है वो यूज करता है 384 bits की मेमोरी बस को। एंड अगर हम बात करें इसके साइज की तो ये 3.5 स्लॉट का ग्राफिक कार्ड रहने वाला है, दैट इज काफी हैवी होगा, काफी ज्यादा ह्यूज होगा, वाइड होगा, तो इसके लिए आपको एक अच्छा खासा कैबिनेट यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर बॉटम साइड में भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाए ताकि ये ब्रीद कर पाए। ये बंदा NZSC की टी-शर्ट पहन के कौशल को प्रमोट कर रहा है की वजह से ही हम नहीं कर पा रहे। जल्दी कर,
सो गाइस अगर हम बात करते हैं कूलर की तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कॉर्सेयर का H150 Elite LCD XT। ये 360 mm का लिक्विड कूलर रहने वाला है। रेडिएटर हम ऑब्वियसली टॉप ही माउंट करेंगे। एंड अगर हम बात करें इसके पंप की तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसपे आप कोई भी छोटी मोटी वीडियो लगाना चाहते हो, कोई अपनी पिक्चर लगाना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, माता की, पिता की, किसी की भी लगाना चाहते हो इजिली लगा सकते हो। क्या हो गया भाई लगाने की भाई इच्छा है अगले की? कईयों को बिल्लियां पसंद है, कईयों को पुसी। भाई ये लास्ट वाली लाइन काटना बस। तो गाइस इसके अंदर स्टोरेज के लिए हम यूज कर रहे हैं जो कि है कॉर्सेयर की MP600NH, दैट इज नो हीट सिंक वाली NVMe SSD है। PCIe Gen 4 पे काम करती है। रीड एंड राइट स्पीड्स की बात करें तो 7000 MBPS की रीड स्पीड्स मिल जाती है एंड 5400 MBPS की राइट स्पीड्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो कि रहने वाला है इस पूरे पीसी बिल्ड को पावर देने के लिए हमारी पावर सप्लाई, विच इज अगेन फ्रॉम द कॉर्सेयर HX1500i। ये हमारी 1500 वॉट्स की पावर सप्लाई रहने वाली है। वैसे तो 4090 के लिए 1200 वॉट्स 1300 वॉट्स की पावर सप्लाई इनफ रहती है, बट द कस्टमर नीडेड मोर से, उनको और भी कंपोनेंट्स लगाने हैं जिसके अंदर RGB कूलर वगैरह, उसके भी 100 वाट मान लो तो भी ये पावर सप्लाई थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। तो ये जो फैक्टर उन्होंने यूज किया है वो क्या है, इसकी एफिशिएंसी के लिए, ताकि एफिशिएंसी अच्छी मेंटेन रहे। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं ये 1500 वाट की पावर सप्लाई। प्लैटिनम रेटिंग के साथ आती है। 0 RPM मोड भी मिल जाता है। अगर आपका जो पीसी है वो ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो इसके जो फैन है प्योरली बंद हो जाता है, साइलेंटली ये रन कर सकती है इजीली। सो गाइस इस पावर सप्लाई को साइड रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पावर सप्लाई है ये एक ATX 3.0 पावर सप्लाई नहीं है। दैट इज जो हमारा 4090 रहने वाला है रॉकस्टिक्स का, जिसके अंदर 12 PH पावर का कनेक्टर जाता है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं आता है। तो इसके लिए आपको अलग से लेना पड़ता है या फिर आपको यूज करनी पड़ती है 4090 के साथ आने वाला पावर अडैप्टर। बट हम यहाँ पे दोनों ही यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया भाई महंगा पीसी है, थोड़े बहुत लुक्स तो बननी ही चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं हमारी स्ट्रीमर प्लस केबल, देना जरा, विच इज दिस द लियानली स्ट्रीमर प्लस V2 एंड ये आती है 12 VH पावर 2 3/8 pin कनेक्टर के साथ। दैट इज ये कन्वर्टर की तरह भी यूज होती है एंड यही जाएगी हमारे ग्राफिक कार्ड पे, जिससे लुक भी अच्छी मेंटेन रहेगी एंड आपको अलग से भी कोई पावर केबल लेने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड जब ग्राफिक कार्ड पे हम ये वाली केबल लगा रहे हैं तो मदरबोर्ड को कैसे छोड़ देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और स्ट्रीमर प्लस, विच इज द स्ट्रीमर प्लस V2 24 pin, जो कि हमारे मदरबोर्ड पे जाएगी। इसके अलावा भी देखो CPU पावर के लिए अभी केबल आई नहीं है, जिस दिन स्ट्रीमर लियानली उसे लॉन्च कर देगा तो वो भी यूज करेंगे हम इसके अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे केस फैंस की जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, द कॉर्सेयर SP120। चलो तो इसके बारे में, अरे इतने सारे फैन, तीन फैन किट्स, 9 फैन हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तीनों ही हमारे SP120 RGB Elite Corsair के फैंस है, तीनों ही व्हाइट कलर के अंदर आते हैं। अब इतने यानी 9 फैंस यूज करने का यहाँ पे जो हमारा पर्पस है वो है कि यहाँ पे जो हमारे कस्टमर है उन्हें अपने रेडिएटर पे सैंडविच डिजाइन होता है, दैट इज पहले रेडिएटर होगा, उसके ऊपर भी आप 3 फैंस किट माउंट करोगे एंड नीचे भी 3 फैंस को जो है माउंट करोगे, वो डिजाइन चाहिए था। साथ ही साथ आपका ये जो पीसी बिल्ड रहने वाला है ये अभी हमने देख लिया ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स के अंदर हाई एंड लगे हैं, तो हीट भी करेंगे तो कूल करने के लिए, फ्रेश एयर देने के लिए इनका रूल रहने वाला है। ये फैन किट्स की बात हो गई है तो ऑब्वियसली अब हम कैबिनेट की भी बात कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लियानली की O11 डायनेमिक ROG एडिशन। ROG का बोर्ड हो गया है, ROG का ग्राफिक कार्ड हो गया है, तो कैबिनेट भी ROG एडिशन हमने यहाँ पर चूज की। एंड उसे चूज करने का एक रीजन ये भी है कि वो कैबिनेट के अंदर आपको काफी ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि 4090 को फ्रेश एयर ब्रीद करा पाएगा। साथ ही साथ टॉप पे आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि आप वहाँ पे सैंडविच कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे माउंट कर सकते। सो गाइस दो किट्स हमने रख दिए साइड में, इस किट के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके कनेक्टर्स के बारे में, इसलिए चलो इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको मिल जाता है ये बॉक्स जिसके अंदर आपका कंट्रोलर देखने को मिलता है, बट कंट्रोलर से पहले मैं आपको इसका फैन दिखाना चाहूंगा। तो ये हमारा व्हाइट कलर का ARGB फैन एंड अगर हम इसको ओपन करते हैं तो जरा इसे देखिए, ये हमारा फैन एंड ये है इसके कनेक्टर्स। ये वाला जो कनेक्टर है ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, ये आपके मदरबोर्ड पे डायरेक्टली माउंट नहीं हो सकता, तो इसके लिए देखते हैं कि क्या कन्वर्टर हमें जो है कॉर्सेयर ऑफर करता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ये एक RGB हब एंड इसके साथ आपके तीनों ही फैंस को माउंट करने के लिए स्क्रूज। दैट इज इसके अंदर आपको कोई भी PWM कनेक्टर या स्प्लिटर देखने को नहीं मिलता है। दैट इज आपका जो मदरबोर्ड रहने वाला है उसके ऊपर जितने भी PWM हेडर्स है आपको उन्हीं के साथ काम चलाना पड़ेगा, या फिर आपको लेना पड़ता है एक PWM हब या फिर कोई भी 4 पिन आपका पावर कनेक्टर जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। डीपकूल की तरफ से आने वाला FH10 फैन हब, इसके अंदर आप 210 जो फैंस है उन्हें माउंट कर सकते हैं एंड इस पे कोई सील नहीं है, तो चलो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा डीपकूल का फैन हब, इसके अंदर आप टोटल अप टू 10 PWM डिवाइसेस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं एंड ये आपके मदरबोर्ड से डायरेक्ट सिंक हो जाता है, तो जो भी आप इसमें कनेक्ट करेंगे वो सभी अलग अलग स्पीड पे नहीं एक ही स्पीड पे काम करने वाले हैं। इसको भी रखते हैं साइड में एंड अब हम देखते हैं अपने RGB हब। सो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 फैंस की 3 किट्स यूज करने वाले हैं और ये RGB हब पे टोटल 6 फैंस जो आप अपने माउंट कर पाएंगे, दैट इज 6 डिवाइसेस इससे कंट्रोल हो जाएंगे। बट द इशू इज कि यहां पर भी आपको ARGB हेडर देखने को नहीं, एक USB हेडर देखने को मिलता है। दिस इज फॉर द मोर कंपैटिबिलिटी विद द सॉफ्टवेयर, द IQ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कॉर्सेयर। उसे कंट्रोल करने के लिए आपको जो मदरबोर्ड रहता है आपका उसके ऊपर USB हेडर
कलर्स का होना जरूरी है। अब हम मदरबोर्ड को भी थोड़ा सा अनबॉक्स करेंगे एंड आपको बताएंगे कि इसके अंदर आखिर क्या इश्यूज आने वाले हैं अगर आप खुद से कभी कोई ऐसा पीसी बिल्ड करते हैं तो। इसलिए आपको थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स की राय लगती है जैसे कि हमें सब। ये रहा हमारा मदरबोर्ड एंड मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या इशू आएगा अगर आप खुद से पीसी बिल्ड करें तो। एक ना मैं आपको इसका टॉप लुक भी दिखा दूंगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें PWM फैंस के लिए कि कितनी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है अपने फैंस को माउंट करने के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड एक आपको मिलता है ऑल द वे अप टू द टॉप विच इज दिस वन। ये आपके चार हो गए PWM स्लॉट्स। तो यहाँ पर आप चारों PWM कनेक्टर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। बट द इशू इसकी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 10, 9 तो हमारे फैंस ही हो गए तो सिर्फ 2 ही USB स्लॉट्स मिलते हैं बट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 4 तो इसीलिए हमें वो स्प्लिटर लेना पड़ा है। जो हमारा Corsair का H150 है उसके अंदर आपको एक USB हब स्प्लिटर देखने को मिलता है 2.0 जो कि इस मदरबोर्ड में आपको टोटल 2 स्लॉट्स ही देखने को मिलते हैं। जनरली आप किसी भी ब्रांड का कोई भी मॉडल लेंगे तो उसके अंदर आपको जनरली 2 ही USB 2.0 के स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। उनमें से एक जो है वो हमारा कूलर जो है वो घेरने वाला है बट यहाँ पे हम फैन ही यूज कर रहे हैं 9 फैन यूज करने वाले हैं तो उसको भाई इसके अंदर कैसे लगाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है हमारा हब लिया था जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था डीप कूल का। तो ये क्या करेगा, ये एक ही पोर्ट को जो है टू 10 डिवाइसेस में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज इस पे हम 10 डिवाइसेस अपने सारे के सारे फैन इसी से माउंट कर लेंगे एंड उसका एक हेडर जो है हम अपने मदरबोर्ड पे लगा। अब बात करते हैं इन फैंस की RGB के बारे में। तो RGB के लिए जैसा मैंने आपको ये वाला कंट्रोलर डिवाइस दिखाया था ये आपकी फैन किट के साथ इंक्लूडेड आता है। तो RGB को कंट्रोल करने के लिए आपको ये वाला हेडर मिलता है जो कि Corsair IQ को थोड़ा सा और ज्यादा कह सकते हैं कि इन फैंस को ऑप्टिमाइज कर देता है अपने Corsair IQ के साथ। ये वाला जो कनेक्टर है ये डायरेक्टली लगता है आपके मदरबोर्ड पे बट इशू इज कि मदरबोर्ड पे ये कनेक्टर्स मिलते हैं खाली 2 एंड अभी आपका कैबिनेट है उससे भी 2.0 जो आपके कनेक्टर्स हैं वो आने वाले हैं। आपका लिक्विड कूलर जो है जो जितने भी डिस्प्ले वाले लिक्विड कूलर्स होते हैं वो सभी USB 2.0 जो है कंज्यूम करते हैं। तो एक तो चला गया आपने लिक्विड कूलर में वो आपको डायरेक्टली ही लगाना पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। दूसरे के ऊपर आप कितने डिवाइसेस लगा लोगे, 2 फैन तो हम यही लगाने वाले हैं एंड हमारे कैबिनेट से भी आने वाले। तो यहाँ पे हमें इस USB को भी स्प्लिट करना पड़ता है एंड अनफॉर्चुनेटली इसके ज्यादा डिवाइसेस रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड से नहीं आते। गिनती का जो एक ब्रांड जनरली पॉपुलर है वो है हमारा NZXT का USB अब जल्दी दीजिए जरा विच इज दिस। अब इस डिवाइस को भी थोड़ा सा अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतने डिवाइसेस में आपको कन्वर्ट कर सकता है। सो अगर आप इसे अनबॉक्स करेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाता है हमारा USB हब। सो ये हमारा NZXT का USB 2.0 हब। ये क्या करता है कि ये आपके मदरबोर्ड से इनपुट लेकर के या फिर आप कह सकते हो इंटरेक्शन का एक गेटवे प्रोवाइड कर देता है जिससे आप 4 और USB डिवाइसेस को अपने उसी मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऐसे पीसी बिल्ड में यूज करनी होती है जब आपको सब कुछ अपने मदरबोर्ड से ही सिंक करना हो। तो अगर आप अपनी तरफ से कोई पीसी बिल्ड कर रहे हैं चाहे आप किसी भी वेबसाइट से कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आप कुछ ऐसे डिवाइसेस ले रहे हैं जो मदरबोर्ड से सिंक होने चाहिए या फिर जिनके अंदर USB हेडर आता है तो आप ऐसा कोई हब जरूर बाय करें। सो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर हम यूज कर रहे हैं RTX 4090 ASUS का ROG Strix व्हाइट एडिशन हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं एंड जो कस्टमर है वो चाहते थे कि इसे वर्टिकली माउंट किया जाए तो वर्टिकल माउंट करने के लिए यहां पे हमने यूज की है Lianli का ही उनका OLED Dynamics XL के लिए बना स्पेसिफिकली वर्टिकल GPU माउंट जो कि रहने वाला है उनका O11D XL14। ये 4 जो है ये सिग्निफाई करता है कि आपका जो राइजर केबल है वो PCIe Gen 3 रहने वाला है, Gen 4 इस पे 4 लिखा है दैट मींस ये Gen 4 है एंड हमारा जो कार्ड है वो भी Gen 4 पे वर्क करता है। सो दिस वुड बी द ऑप्शन। सो गाइस ये थे हमारे आज के सभी कंपोनेंट जो हम इस पीसी बिल्ड में यूज करने वाले हैं। अब आप बताइए कि इस पीसी बिल्ड के अंदर आपको अगर आप अपने लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो कौन से कंपोनेंट्स को आप चेंज करते या फिर क्या सजेशंस रहते हैं आपके जिन जो हमारे कस्टमर है उनके लिए। अगर आप भी ऐसा ही कोई कमाल का पीसी बिल्ड करना चाहते हैं अप टू किसी भी बजट के अंदर चाहे वो एक लो एंड बजट हो 30,000 का या फिर वो एक बहुत हाई एंड बजट हो 10 लाख 30 लाख व्हाटएवर द अमाउंट इट वुड बी, सो आप विजिट कर सकते हैं हमारे नेहरू प्लेस स्टोर को विच इज B1011 मेघदूत बिल्डिंग नेहरू प्लेस बिल्डिंग नंबर 94। एंड अगर आप चाहते हैं अपने पीसी बिल्ड को एंड आप दिल्ली में विजिट नहीं कर सकते हमारे स्टोर पर तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को विच इज www.smcinternational.in। वहां आपको हमारी कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाएंगी एंड अगर आप नहीं चाहते उनमें से कोई भी पीसी बिल्ड करना या आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं देन यू कैन चूज आवर कस्टम पीसी सेक्शन। वहां पे आपको हमारा SMC प्रो कस्टम पीसी मिल जाएगा उसके अंदर सभी कंपोनेंट्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं जो भी आप वहां पे चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा देयर कुड बी सम कंपोनेंट्स जो आप एक्स्ट्रा चाहते हैं या फिर जो जनरली अवेलेबल नहीं होते तो उस केस में आप हमारे एग्जीक्यूटिव्स को कॉल करके बता सकते हैं जिनके नंबर आपको अपनी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। इसी के साथ मैं योगेश आपसे लेता हूं अलविदा बट उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारे चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़े एंड आपके दोस्तों तक भी हम आसानी से पहुंच पाए। एंड गाइस हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं YouTube चैनल पे तो प्लीज उसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर की और देरी है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें एंड हमें 5000 पे करें। उसके बाद हम वी विल बी अनाउंसिंग अ गिव अवे।